धुंध भी है और बेगम झाड़ू दे रही है आपके सामने, ठीक है जी। सुबह सुबह सफाई और ज़्यादातर अब बच्चे करते हैं, मैं इनको कहता हूँ आप काम क्या करो, लेकिन धुंध की वजह से ना बच्चे सोए हुए, ठंड है, ये पर्दे थोड़ा ऊपर किए हैं, अब दोबारा इनको नीचे कर देंगे। फर्श इंशाल्लाह का करते हैं इंतज़ाम, कोई मौसम सही हो ना इंशाल्लाह करवा देते हैं इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी हैं अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई दे, आसानियत फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे, शिफा दे, अपने फजल से, अपनी रहमत से खुसूसी शिफा अता फरमाए। और जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमाए। जो रिश्तों के तलबगार हैं, अल्लाह उन्हें नेक साले रिश्ते अता फरमाए। लेकिन रिश्ते करने वाले बहन भाई जाए, सफ़र करें, कोई भी काम करें, किसी कस्म का भी काम करें, आप इस्तखारा ज़रूर करें, इस्तखारा ज़रूर करें, आपकी मेहरबानी होगी। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज जो है इतने दो दिन धूप खत्म हुई है, सिर्फ दो दिन, वो भी तकरीबन इतनी ज़्यादा नहीं, बादल वगैरह रहे हैं, लेकिन यानी कि धुंध ख़त्म हुई। आज फिर धुंध ने लपेट लिया है, आज फिर धुंध ने जो है ना हर तरफ डेरे जमाए हुए हैं, हर तरफ डेरे। अल्लाह ताला रहमत करे, बिल्ली आ गई है जी, और फातिमा के साथ होती है, बिस्तर के बीच में गर्म गर्म हीट मिलती है, बड़ी हफ आती है, यानी कि बिस्तर के बीच में जैसे हो बच्चा मासूम सा बच्चा होता ना, उसको जब वो अपनी माँ के साथ सोता है या बाप के साथ किसी बड़े के साथ, वो चिपक जाता है और जनाब बाजू पे सिर रख के सोया होता है। ऐसे ही बिल्ली रात को जो है ना फातिमा के बाजू पे सिर रख के सोए थे और जुक्की पागे सोती है जुक्की पागे। और मेरा इरादा बना मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई और नमाज का जो है ना वक्त जा रहा था, जरा लेट उठे, लेकिन जो है अलहमदिल्ला फिर भी जल्दी नमाज पढ़ ली। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी है, बड़ा करम। ये बाहर देखे धुंध कितनी है, बहुत वसी धुंध है, बहुत वसी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपनी रहमत करे, बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा। और इस धुंध के बीच में स्कूल जाते हुए ना बड़ी मुश्किल होती है, स्कूल जाते हुए बहुत मुश्किल होती है। ये जो धुंध हमने आपको दिखाई, धुंध इसमें धुंध अपनी सूचना दोबारा दिखाई, ऊपर 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 यही से दिखा दो ऊपर धुंध। ये धुंध देखे कितनी वसी है, धुंध वसी है। और इस धुंध के बीच में जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं कितनी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल, बेतहाशा मुश्किल होती है। यकीन जाने के एक्सीडेंट का खतरा होता है, दूसरा फिर बैग के ऊपर जाके बच्चों को स्कूल छोड़ना और मुश्किल होता है, बैग के ऊपर ही बहुत मुश्किल होती है। यकीन जाने धुंध के बीच में बड़ी तकलीफ भी होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी, बेगम रोटियाँ लगा रही है और साथ साथ वो सीधा करो गिर नीचे, रोटी शुक्र गिरी नहीं है, वो जो इसके ऊपर रखा ना आज हार्ट पार्ट किधर है, हार्ड पार्ट के उसमें रखती ना फातिमा, आप नाश्ता करो अपने मामा को हार्ड पार्ट दो जैसे ना उसी में रोटी रखती ना। अभी नाश्ता कर ले फिर आपको ला कर, दोनों नाश्ता करो। देखे बहन भाई दोनों एक ही कोले के बीच में नाश्ता कर रहे हैं और साग बनाया था, साग उसी के साथ ये नाश्ता कर रहे हैं, साग बनाया था। अलहमदुल्ला बेगम मुझे कह रही थी मक्खन ला कर दो, अब इनको जाना मैं कोशिश करता हूँ आज जो है ना आधा किलो मक्खन ला कर दे। ये पता क्या कह रही है, कह रही बर्तन जब ऐसे नीचे रखते हैं, ऐसे नीचे रखते हैं तो मिट्टी वगैरह जो होती है फिर दोबारा जब इन्हीं बर्तनों को देखे, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें वापसी जाके मतलब ये जो आटे वाला है इसको इसी तरह दोबारा आटे वाले टप में जाके रख देना होता है, थोड़ा निकालते ज्यादा नहीं जाके अपना इसी आटे को जो ना अपना जो कुछ थोड़ा सा बच जाता है, अमूमन बच जाता है, जरूरत के लेना लेकर जो ना वापसी जब ये जो बर्तन है आटे के लिए मुस्तकिल तौर पर इसको डेली बेस पे भले कोई भी कर रहे हैं हर रोज भी नहीं धोता, वो अपने जो आटे वाले बर्तन में रखते हैं चाहे चम्मच रखते हैं चाहे कोई चीज़, वो तो वहीं पड़ा रहता है बार बार उसको यदि कोई भी नहीं धोता। अब इसकी इसी तरह इसको भी बार बार कोई नहीं धोता, लेकिन ये है कि अब इसी के झाड़ के तो ये रख देती बालों तो मिट्टी रह जाती है, मिट्टी रह जाती है, मिट्टी रह जाती है, मिट्टी रह जाती है और आटे के बीच में दोबारा मिट्टी पड़ जाती है बगल, और वो फिर रोटियाँ नहीं खाई जाती, रोटियाँ नहीं खाई जाती, मिट्टी जो है ना आटे के अंदर चली जाती है। कोई भी बर्तन है, कोई भी बर्तन इसी तरह यही सोचते हाल है। अब देखिए जितने बर्तन हमारे पड़े हुए हैं फिर जब एक इकट्ठे करके इनको धोना है धोने धो के रखती है, लेकिन ये कि बालों कैसा होता है कि जब उधर से उठा के यहाँ के रख दिया, इस्तेमाल तो करना है
अब उसके लिए यानी सारों को यानी कुछ जैसे होता फर्श लगा बेहतरीन जबरदस्त किस्म का और ऊपर बंदा कुछ बिछा मिलता है नहीं बिछा रख ले तो मिट्टी वगैरह नहीं लगती। अब जहर इन बर्तनों को जो धो के भी यहाँ रखना एकदम इस्तेमाल तो भी करना जिस जिस टाइम उसको जरूरत पड़ेगी खाने के दौरान भी इसकी जरूरत है वो उठा लिया दूसरे की जरूरत है तो दूसरा उठा लिया उसको इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह यानी कि जिस जिस की बारी आती है उसको उठाते हैं लेकिन उस दौरान जो मिट्टी पे पड़े होते हैं सारी मिट्टी लगती है और फिर उसको इस्तेमाल तो करते हैं मजबूरी है और क्या करें हम तो बस है ये शिकवा है कि जी आपने मुझे तवा जो ना मोठ वाला जो लकड़ी की मोठ लकी होती है ना वो भी पकड़ा पकड़ के उठा लिया करो रख लिया करो इतना मैं पलाश के डली उठाती हूँ ठीक है जी ये आपसे आपको गवाह करके माफी चाहता हूँ और इंशाल्लाह लकड़ी उठा के आपको मारोगी ठीक है आपको मारोगी इंशाल्लाह ला कर देते जी आपको इंशाल्लाह एक दो रोज के अंदर जैसे मेरा स्वीटी चक्कर लगता है मैं ले आऊंगा आपको वीडियो में जरूर दिखाएंगे और बकर आप देखते रहेंगे डेली बेस पे जल्द से जल्द उसको ला कर देते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सुबह सुबह जो है ना आज बेगम ने झाड़ू दिया है ये सारी सफाई सफाई की है देख लिया आपके सामने मिट्टी खाका वगैरह गिरदा लोग और ये जो कपड़े खड़े हैं हम रात के इधर खड़े कर देते हैं जब बाघ धुलाई करते हैं बाढ़ होते हैं दिन को शाम होती है तो उसको तार के अंदर खड़ा कर यहाँ कर देते हैं इधर खुशक हो जाए ठीक है जी तो ये दो दो, दो तीन तीन दिन चार चार दिन लग जाते हैं खुशक होने में तो ये सुनते हैं अल्लाह का शुक्र कच्चे घर है अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से राजी है अल्लाह से राजी है। हमने कई दफ़ा कहा है कि हमने ये चैनल रोजी के लिए बनाया है रोजी के लिए यकीन जाने कि हम देखते हैं जो हटे कटे लोग हैं जो सेहतमंद हैं तंदुरुस्त हैं माशाल्लाह अल्लाह ने उनको नियमतें दी अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से राजी कोई जेलस नहीं है यानी वो लोग मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं वो लोग मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं लेकिन ये है कि हमारी वीडियो जो है उतनी नहीं देखते जितने मेरे सब्सक्राइबर इस वक्त 5500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं 5500 में से 1000 बंदा भी वीडियो देख रहा है 1000 बंदा मैंने जो है 1000 जैसे ही टाइम मिलता देख लिया करें तो उसका फायदा हो जाता है काफ़ी फायदा हो जाता है। इस तरह ये कि फिर अनजान जो हमारे जिनको जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उससे हटकर भी लोग आ जाते हैं बीच देख लेते हैं इस वक्त भी जो 100, 120, 130 लोग देख रहे हैं इसमें भी 20-25% से लेकर 30% तक जो है यूट्यूब बताता है हमें जब यूट्यूब स्टूडियो चेक करते हैं कहाँ से लोग देख रहे हैं और कितने परसेंट मर्द हैं और कितने परसेंट खवातीन हैं इसके अलावा जो है आपके सब्सक्राइबर कितना देख रहे हैं अनसब्सक्राइबर कितना देख रहे हैं जो आपके सब्सक्राइबर नहीं है वो कितना देख रहे हैं ये बताता है और किसी वीडियो पे ये होता है कि जी 25% 30% से लेकर 40% तक बाद 70% भी मैंने बीच में चेक किया कि 70% भी अनसब्सक्राइब जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं वो देख रहे हैं तो भाई वीडियो देख लिया करो मेहरबानी होगी जैसे टाइम मिलता है देख लिया करो आगे हमारा कोई जोर नहीं है और दूसरों की भी हटे कटे लोगों की देखते हैं जिन्हें जो आपकी मेहनत मजदूरी कर सकते हैं हालांकि वो भी आपके लिए दुआएं करते हैं हम भी दुआएं करते हैं और साथ साथ दुआओं के अलावा हमारी वीडियो देखना सवाब भी है मेहरबानी करके सवाब की खातर देख लिया करो दुआएं तो सभी करते रहते हैं हम भी लंबी लंबी दुआएं करते हैं और हर वक्त लंबा लंबा अपना दुआओं के बीच में मेरी काफ़ी वीडियो बन जाती है मैं तो हम दूसरों की देखते हैं तो मुझे सबसे वीडियो होती है दुआओं की और बाकी वो अपनी सोचता है अपनी रूटीन बता के दिखा के परे हो जाता है मैं कहता हूँ हमने तो यहाँ तक देखा है 20 मिनट 18 मिनट 25 मिनट आधा घंटे की वीडियो होती है तो उनकी जब हम व्यूज चेक करते हैं 40,000 30,000 70,000 1,00,000 2,00,000 कुछ की तो मिलियन भी जा चुकी होती है वीडियो तो लेकिन हमारी भी देख लिया करें मेहरबानी होगी आपकी आगे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाकी कोई हमारा जोर नहीं है। आप हमारी वीडियो देख रहे थे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे दुआ में याद रखिएगा बहुत शुक्रिया अस्सलामुअलैकुम।